नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबी न्यूज 27। खबरें सबसे पहले आप। नमस्कार, मैं प्रिया, आप देख रहे हैं एमबी न्यूज 27। जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ने हेतु पटना से सिंबल लेकर शनिवार को दरभंगा पहुंचे मदन साहनी। जदयू की टिकट पर चुनाव लड़ने पटना से दरभंगा पहुंचे जदयू के मंत्री मदन साहनी का जदयू के कार्यकर्ताओं तथा इनके समर्थकों ने फूल माला पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया। मदन साहनी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बहादुरपुर से उसे टिकट दिया गया है और वर्तमान में गौरा बौराम विधानसभा से 5 साल तक प्रतिनिधित्व भी किया है एवं बिहार सरकार में मंत्री बनने को अपना सौभाग्य बताया। उसने कहा कि उसकी पार्टी ने अच्छा काम किया है, साथ ही बिहार सरकार के कार्यों की तारीफ करते हुए कहा कि बिहार सरकार ने 15 साल तक बिहार को आगे ले जाने का काम किया है। शिक्षा तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काफी अच्छा कार्य हुआ है तथा सड़क बनाने एवं सड़कों का जाल बिछाने से लेकर घर घर तक बिजली पहुंचाने का काम किया गया और किसानों तथा नौजवानों को मजबूत करने का काम किया गया है। दरभंगा से राजू सिंह की रिपोर्ट। सिंबल लेकर के आए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें सिंबल दिया है बहादुरपुर के लिए और अभी हम गौरा बौराम विधानसभा से 5 साल प्रतिनिधित्व किए हैं। बिहार सरकार में मंत्री भी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम लोगों ने अच्छा काम किया है और बिहार सरकार ने जो 15 साल तक बिहार को आगे ले जाने का काम किया है, गरीबों का मान सम्मान बढ़ाया है, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और सड़कों का घर घर तक बिजली पहुंचाने का काम किया है, किसानों को और नौजवानों को मजबूत करने का काम किया है। इस बार हमें बहादुरपुर से फिर से मौका दिया गया है। इससे पहले भी बहादुरपुर का हमने प्रतिनिधित्व किया है और हमने अच्छा काम किया है और यहाँ के लोग में हमारी छाप है और उनकी भी चाहत थी कि हम बहादुरपुर से फिर से प्रतिनिधित्व करें और यह सौभाग हमें दोबारा प्राप्त हुआ है। हमें आशा है कि बहादुरपुर के लोग हमें निश्चित रूप से इस बार भी अपना समर्थन देंगे और हम जो भी उम्मीदवार होंगे महागठबंधन से उनको हम लोग परास्त करने का काम करेंगे अपने मतदाता मालिक के बदौलत और बिहार के अंदर एनडीए की नेतृत्व में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी उनके मार्गदर्शन में आदरणीय उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के नेतृत्व में हम लोग बिहार में एनडीए की सरकार बनाएंगे और श्री नीतीश कुमार जी फिर से मुख्यमंत्री बन करके बिहार के सेवा करने का काम करेंगे। सर, गिनीज बुक ऑफ इंडिया में इस बार दिखाएगा कि नहीं?